हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी के जो है 8वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेखक परिचय और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है लेखक परिचय, सिपाही की माँ। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। तो मोहन राकेश है। इनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को और निधन हो गया था 3 जनवरी 1972 को। ठीक है, आगे जो पॉइंट है, इनका जन्म स्थान था जंडीवाली गली जो है अमृतसर पंजाब में। ठीक है, इनकी माता पिता थे बचन कौर एवं करमचंद गुगलानी था। ठीक है ना, और जो कि वो एक पेशे से वकील थे। चलिए अब उनकी जो है कुछ रचनाएं हैं, मोहन राकेश के कुछ रचनाएं जो हैं, उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न जाने वाला कल, कहानी संग्रह जो है क्वार्टर तथा अनेक कहानियां, पहचान तथा अनेक कहानियां, वारिस तथा अनेक कहानियां, और उनकी जो नाटक था आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे पैर तले की जमीन, उसके बाद है अधूरा कमलेश्वर न पूरा किया, ये उनकी जो है। अब दोस्तों जो है यहाँ आपका जो है क्या है ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसी कौन थी। तो इसके सही जवाब हो जाएगा कुंती थी, जो उसके पड़ोस में रहती थी। मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगलवार दिन था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर ले जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा। तो ये कहता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सिपाही कहता है। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन है किसके करों के मोती तारों की तरह चमके, किसके कारा जो होगा मोती तारों की तरह चमकते हैं। तो वो सही जो है चार का सही जवाब हो जाएगा तारों के, मोती के तारे की तरह चमकते हैं तो वो तारों के। अगला क्वेश्चन जो है किस पाठ में यह उद्धृत आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वह भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी जो है, सिपाही की माँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको पता ही है शुरू में। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जानवर और जानवर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मोहन कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो इसका 8 का सही जवाब हो जाएगा सी, इतिहास और आलोचना। अगला जो क्वेश्चन है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अगला जो क्वेश्चन है मुनि और मानक की माँ का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णी नाम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी, बर्मा में हो रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिपाही की माँ। अगला जो क्वेश्चन है सिपाही की माँ कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बिश्नोई देई। अगला जो क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो वो पड़ोसन होती है, पड़ोस की रहने वाली होती है। अगला जो क्वेश्चन है रवेश क्या होता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, मोटे सूत की बनी चादर।